हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, गंगा तरंग रमणीय जटाकलापौ गौरी निरंतर विभूषित वामु भाग जय गजानन गणपति, जय गजानन गणपति, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 रहेंगे तो हम ना सजाएंगे दीप सजा के दिवाली हम मनाएंगे मेरे जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग ले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग ले जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे गौरीपते नमस्तुभ्यं आगच्छं महेश्वरः गौरवदक्षिणयो मध्यं तिष्ठं पूजां गृहाणि ॐ गौरीपते नमः आदर्यानः श्रीरामचरितमानस्य बालकाण्डस्य मङ्गलाचरणा प्रारम्भा मम लोकय पङ्कजलोचन कृपाविलोकन सोजविमोचन नीलतामरस श्याम कामर हृदय कंज मकरंद मधुपहर जादुधान बरूद बल भंजन सुनि सज्जन रंजन अग गंजन गोधर सी नव बृंद कलाहक अतरन धरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मह खंडित खर रूषण विवाद वद पंडित रावणारस कुरूप भूपधर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजसुपुराण विदित निगमान गावद सुरमन संत समागम कारुणिक व्यालिक मद खंडन सब विद कुशल कोसला मंडन कलिमल मदन नाम मद ताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन मंगलाचरणस्य प्रारंभः वर्णानामाथं संगानं रसानां छन्दसामव मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक हो। सभी चीजों का मंगल करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदन करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे सद्य विश्वाज रूपिणो व्याभ्यां विनान पश्यन्तीं सिद्धां श्वान्तां अष्टमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ओम गौरीपते नमः। वंदे बोधमयां नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाच्युतो हिमक्रौपिं चन्द्रं सर्वत्र वंदने। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। उनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है।
सीताराम गुरु ग्रानं पुन्नारं विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपेश्वर कपेश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। उत्पत्ति पालम संहार करने वाली क्लेश को हरने वाली संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वो सत्यम वैष्णव महाखिलम ब्रह्मादि देवासुराम यदत्त सत्वामुषमं भाति सकलम रज्जो यथे भ्रम यद्यापलवेकमेकम हिम भाव्यो देस्तीं तीर्थवर्ताम वंदे हम तमशेष कारण परम राख्यामीश्यम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर जिनकी सत्ता से रस्सी में सर के भ्रम की भात ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भाव सागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र मौका है उन समस्त कारणों से पर सभी कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। वंदन रामाश्चार्य नाना पुराण निगमाम संमताम्यदम रामायणे निगमिताम कचिन्दन्यो अपिंशानं सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाम भाषा निबंध मदिर मंजुला मानोति। अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से संबंध जो रामायण में वर्णित है कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी ने रचित रामायण को यहाँ पर रामचरित को गाया है। तुलसी रामचरित गावहु। आज का हम प्रसंग ये चौपाई आज की जो है हम बाल कांड कर रहे हैं। प्रभुतर कपिडार पपते के आप समान तुलसी कहुन राम से साहिब सील निधान। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण है। हे विधि ने जगुन दोष कहा सब ही बरहु सिर नाय बरनाऊ रघुवर बिशत जस सुनि काली कालुषण साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बली तेजो कथा सुहाई भरद्वाज मुन बारह सुनाई कहे सोय संवाद बखानी सुनाऊ सकल सज्जन सुकुमारी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखी नया चरित सुहावा बाहुर कृपा करियु मैं सुनावा सोयनेव काग भूषुंड दीन्हा राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र की रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया कि राम भक्त काग भूषुंडी। उनको बताया
ये आता है चौपाई की, तेईस न जग बालिक पुनि पावती न पुनि भारद्वाज प्रतिगाव तेसरो तावक ताश्यम लीला सवदरे जानी हरि लीला। हरि का अर्थ है विष्णु। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क ने पाया और फिर उस ज्ञान को उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। दोनों वक्ता और श्रोता जैसे कि याज्ञवल्क और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना करतल गदा मलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कहे सुनाए समझहि विधि नान। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। यहीं पर एक दोहा का प्रसंग आता है। मैं पुनि निज गुर गाना सुनी कथा सुसु कर खेत समझ नहीं तसी बालपन तावती राय अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी लेकिन उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था इससे उसको इस प्रकार समझा नहीं। आज का प्रसंग हम यहीं तक। अब हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण यहां पे था कि तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी के संग कथा कल्याण करने वाली कही कलयुग के पापों को हरने वाली है। तो कहते हैं इसमें तुलसीदास जी ये छंद बड़ा ही प्रसिद्ध छंद है इसको भी आप याद रखें कि जो रघुनाथ कथा श्री रामचरित को गाते हैं वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। मंगल कमल हरि तुलसी कथा रघुनाथ की गति गुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भानति बालियो हुई सुजन मन भावनी बावांग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदास रत अचुर बिहारी दीन दयाल विरत समभारे हरहुनाथ मम मंगल हारी। हे हनुमन्यमस्त महागच्छम कृपानिधः पौभाय समादिष्टम पूजनम स्वीकरो प्रभो। लाली देह लाली लस हरिधर लाल लंगूर बाज्य देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। ऋषि तारा शंजामं नमः श्री रामचंद्राय नमः याम भद्राय नमः राम भद्रायो नमः। धन मंगल गुण राम राम के दान मुकद जन धर्म धाम के राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय 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 राम राम सिया राम श्री रामचंद्राय नमो नमः। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की
जाकी बल से गिरिवर कापे रोग दोष भय निकट न झापे अंजन पुत्र महाबलदाई संतर के प्रभ सदा सहाई देवी रघुनाथ पठाए लंकाजार सिया सुधिलाए लंका सुकूट समुद्र सीखाई जाति पवन सुत बारिन लाई लंकाजार असुर सब मारे सिया राम के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पर धारणी पे आन सजीवन प्राण बारे पैठ पताल तोर यमकार अहिरावन की भुजा उखारे बाए भुजा सुर दल मारे दाहन भुजा संत जन तारे सुर नर मुन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लय आई आरत करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरत गावे सो वैकुंठ अमर पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराय तुलसीदास स्वामी की रति गाय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ओम श्री राम रामाय नमः ओम श्री राम रामाय नमः। महेश्वराय नमः दृष्टेश्वराय नमः गौरी सिंहाय नमो नमः महाकाली महालक्ष्मीभ्यो महासरस्वतीभ्यो नमो नमः महाविष्णुभ्यो नमो नमः वंदीदेव्याम नमो दंडराज विनायकं साक्षी विनायकं नमो नमः समस्त काशी क्षेत्रे नमो नमः श्री गणेश्वराय नमः विश्वेश्वराय नमः द्वारकादित्याय नमो नमः अष्टभैरवाय नमो नमः कर्पूर गौरं करुणावतारं संतारसारं मरगन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। जय मात गंगेश्वरी मात अन्नपूर्णेश्वरी मात वंदेश्वरी नमो नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समाप्त करो कैमरामैन समाप्त करो महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कैमरा मैन वीडियो बंद कर दो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।